हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आ गया आ गया आ गया, रिजल्ट आ गया दोस्तों। अगर आप लोग भी 12th का एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। आज है 23 मार्च और यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। 1:30 बजे रिजल्ट आने वाला था लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आप अपना रोल नंबर और रोल कोड डाल करके देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में लिखिए सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप लिखेंगे सरकारी रिजल्ट तो इसको ओपन कर लीजिए। ये सरकारी रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जिसमें आप सरकारी रिजल्ट के बारे में या फिर जो है रिजल्ट जो आते हैं वो सब के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ से आपको सबसे पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। सरकारीRizult.com पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ से आप जूम करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट का। देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पर Server 1 Server 2 दिख रहा है। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 23 मार्च को 1:18 पे ये जो है रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक लिंक दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट रिजल्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक एक्टिवेट, ये जो है 1:30 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे और यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला तरीका, ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है बिहार बोर्ड रिजल्ट। बोर्ड रिजल्ट लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला लोगो आइकन, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी एनुअल सेकेंडरी एग्जाम जो दिख रहा है यहाँ पर 23 दिख रहा है 2023। जस्ट इसके नीचे यहाँ पर जैसे ही ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो यहाँ पर 2024 आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ से रोल नंबर डालेंगे, रोल कोड डालेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चर है 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है 12th का रिजल्ट देख सकते हैं सबसे पहले।